खबर कानपुर से है। विश्व शक्ति सेवा समिति कानपुर एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के तत्वाधान में परम पूज्य श्रद्धेय शक्ति दूत धर्म रतन पंडित देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की 15वीं श्रीमद भागवत कथा एवं श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का भव्य एवं विशाल आयोजन मोती झील ग्राउंड कानपुर में होने जा रहा है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कानपुर समिति के सचिव विपिन वाजपेयी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से कानपुर की भूमि में परम पूज्य श्रद्धेय शक्ति दूत धर्म रतन पंडित देवकी नंदन ठाकुर महाराज की श्रीमुख से श्रीमद भागवत कथा एवं श्री राम कथा का सफलता पूर्वक कार्यक्रम होते आ रहे हैं। इस बार भी ठाकुर जी के श्रीमुख से श्रीमद भागवत कथा एवं श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का 15वां आयोजन मोती झील ग्राउंड कानपुर में 24 नवंबर 2024 से 30 नवंबर तक इस कथा की कलश यात्रा 23 नवंबर को निकाली जाएगी और लक्ष्मी नारायण यज्ञ प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक एवं कथा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। कथा के दौरान कुछ धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम भी होंगे जिसकी जानकारी सभी भक्तों को समय समय पर दे दी जाएगी। इसके साथ ही विश्व में शांति, मानव कल्याण, पर्यावरण एवं युवाओं के लिए संदेश आदि कार्यक्रम भी होंगे। कथा एवं यज्ञ की समस्त जानकारी कानपुर कार्यालय पी रोड से प्राप्त की जा सकती है। मैं भी शांति सेवा समिति कानपुर में सचिव विपिन वाजपेयी आप लोगों को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ होने मोती झील ग्राउंड पे जा रहा है। इसमें 23 नवंबर को कलश यात्रा रहेगी। 24 नवंबर से आपको सुबह लक्ष्मी नारायण यज्ञ देखने को मिलेगा और शाम को 3 बजे से दोपहर 3 बजे से श्रीमद् भागवत कथा होगी। इसमें कानपुर के सभी भक्तों से प्रार्थना भी है, अनुरोध भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे वहाँ पहुँच कर और समय पर पहुँच कर श्री सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कहे हुए वचनों को अपने अंदर आत्मसात करने के प्रयास करें और जीवन को सफल बनाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। इसीलिए इस कार्यक्रम को हम हर प्रतिवर्ष कराते हैं और आप लोगों का सहयोग अपेक्षा से भी ज़्यादा मिलता है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है।